कुत्तों से इंसान का ताल्लुक 20,000 साल पहले से मिलता है। दुनिया भर में कुत्तों को पेट डॉग्स के तौर पर रखने का कल्चर है। कुछ कुत्ते तो इतने बड़े होते हैं कि इनकी ताकतवर जिसामत देखकर एक आम आदमी शायद डर ही जाए। ऐसे ही 10 बहुत बड़े और इंतहाई ताकतवर कुत्तों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं नंबर 10 की जानिब। नंबर 10, फ्रेंच मास्टिफ। 14वीं सदी से अफजाइशी नस्ल पाने वाला ये फ्रांस का सबसे पुरानी नस्ल का कुत्ता है। ये कुत्ता इंतहाई ताकतवर और मस्कुलर बॉडी का मालिक होता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इससे कार्ट तक खींचने का काम लिया जाता रहा है। यूरोप के रईस घरानों के लोग इसे अपने महलों की रखवाली के लिए रखते थे, जबकि ये भेड़ बकरियों के रेवड़ का इंतहाई काबिले भरोसा मुहाफिज है। फ्रेंच मास्टिफ नस्ल के कुत्ते का वजन 50 किलोग्राम तक होता है, जबकि इसका कद 27 इंच तक होता है। इस कुत्ते की उम्र आमतौर पर 5 से 6 साल तक होती है। इस नस्ल के कुत्ते की ज्यादा से ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड 12 साल तक का है। इसे पालतू बनाकर घर में लाने से पहले ये यकीनी बना लें कि आप इसकी ट्रेनिंग के लिए पूरा वक्त निकाल सकते हैं, वरना ये कुत्ता ताकतवर होने की बिना पर इंतहाई खतरनाक है, और इतना कि बिला इश्तियाल ही आपके और आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के ऊपर हमला आवर हो सकता है। इस कुत्ते की ज्यादा से ज्यादा कीमत $800 से $1,000 तक होती है। नंबर 9, ग्रेट पायरेनीज। बरआज़म शुमाली अमेरिका नस्ल के इस कुत्ते की खास पहचान इसके जिस्म पर मौजूद इंतहाई घने सफेद बालों का कोट है। इसका वजन 50 से 60 किलोग्राम तक होता है। इस कुत्ते को घर पर रखना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि एक तो हर हफ्ते इसके बालों को ब्रश करना होता है, दूसरा इन्फेक्शन से बचाव के लिए इसके दांत और कान साफ करने और नाखून काटने पड़ते हैं। इसको बाकायदा वर्जिश की भी जरूरत पड़ती है। इसी तरह इसे रात भर भौंकने से रोकने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। आमतौर पर यह कुत्ता बेहद शरीफ मिजाज का होता है, बच्चों के साथ खूब घुल मिलकर खेलता है। अब तक इसके मालिकों को कार्ड खाने का कोई वाकया पेश नहीं आया। ये कुत्ता ऐसे मेहमानों को भी कुछ नहीं कहता जिनको घर का मालिक अच्छी तरह मिलता हो, लेकिन घर के मालिक का जो दुश्मन हो ये कुत्ता उसका जानी दुश्मन बन जाता है। इसी तरह ये कुत्ता अपनी पहुंच में आ जाने वाली दूसरी बिल्लियों और कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ता। ये कुत्ता किसी रेवड़ पर भेड़ियों के हमले के जबरदस्त दिफा की सलाहियत रखता है। इस कुत्ते की कीमत $1,000 से $2,500 तक होती। नंबर 8, अनातोलियन शेफर्ड। तुर्क नस्ल का ये कुत्ता देखने और सुनने की इंतहाई ताकतवर सलाहियत के अलावा इंतहाई मजबूत जिस्म की बिना पर मवेशियों की कड़े पहरेदारी कर सकती है। अपनी फुर्ती की वजह से ये अपने हदफ का जबरदस्त पीछा करने की सलाहियत रखता है। इस कुत्ते की कई नस्लें हैं, इसलिए इसका वजन 40 से 70 किलोग्राम तक होता है, जबकि इसका कद 27 से 32 इंच तक हो सकता है। इसकी उम्र 6 से 8 साल होती है। इस कुत्ते को घरों में रखना भी एक चैलेंज है। अगरचे ये कुत्ता खासा ज़हीन होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मालिक की हर बात मान जाए। ये कुत्ता अपने घर के लिए बेहद वफादार और मुतहरिक रहता है। आमतौर पर इसे पुरसुकून रहकर सिर्फ आसपास के माहौल पर नजर रखना ही पसंद है, लेकिन इससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश किसी भी अजनबी को महंगी पड़ सकती है, और एक बार ये बिगड़ जाए तो शायद मालिक भी इसे नहीं संभाल पाएगा। आप इसकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि किसी रेवड़ को चरागाह तक छोड़ने के बाद ये कुत्ता खुद ही ऐसे दरिंदों को ढूंढने लग जाता है जो मुमकिन तौर पर रेवड़ पर हमला आवर हो सकते हैं। सिर्फ 3 अनातोलियन शेफर्ड कुत्ते भेड़ियों के पूरे झुंड पर हल्ला बोलने और इन्हें लहू लुहान कर देने के लिए काफी है। अलबत्ता बिल्लियों और कुछ दूसरे जानवरों से जान पहचान होने पर अनातोलियन शेफर्ड इनसे रियायत से पेश आता है। इस कुत्ते की कीमत 2 से 2,500 $ तक होती है। नंबर 7, न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड के जजीरे पर पाया जाने वाला ये बड़ा कुत्ता माहीगीरों के साथ एक लाइफ गार्ड का काम करता है। ये जायंट डॉग अपने मजबूत पट्ठों वाले जिस्म, झिल्लीदार पंजों, अपनी जिल्द पर मौजूद डबल कोट और तैरने की बेहतरीन सलाहियत की वजह से पानी में डूबते हुए इंसानों की जिंदगियां बचा लेता है। ये कुत्ता एक तारीखी वाक्य की बिना पर बेहद मशहूर है। 1815 में जब तारीख का मशहूर किरदार फ्रांसीसी जर्नल नेपोलियन बोनापार्ट एल्बा नामी एक जजीरे में कैद से भाग निकला था, लेकिन समंदर की ताकतवर लहरों ने इसकी कश्ती उलट दी, जिससे वो डूबकर मरने ही वाला था कि न्यूफाउंडलैंड नस्ल ही के एक गुमनाम कुत्ते ने इसकी जान बचा ली और इसे घसीट कर किनारे तक पहुंचाया। इसका वजन 65 से 80 किलोग्राम तक होता है, जबकि कद 28 इंच तक होता है।
होता है। इस कुत्ते की उम्र 8 से 10 साल तक होती है, लेकिन इसके 15 साल तक जिंदा रहने की भी मिसालें मौजूद हैं। ताकतवर होने के बावजूद ये कुत्ता अमन पसंद फितरत का मालिक होता है, इसलिए इसे जेंटल जायंट यानी शरीफ जिन भी कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े कद का कोई भी कुत्ता मुनासिब ट्रेनिंग के बगैर खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। इसलिए अगर इस कुत्ते में गुस्सा या जारहानापन नजर आए तो इससे ब्रीडिंग हरगिज नहीं करवानी चाहिए। इस कुत्ते की हर हफ्ते खुराक का खर्चा ही 100 से 200 डॉलर होता है, इसलिए इसकी कीमत 2 से 3000 अमेरिकी डॉलर तक होती है। नंबर 6, लियोनबर्ग। घने बालों, इंतहाई ताकतवर मस्कुलर बॉडी और देखने में इंतहाई रूपदार दिखाई देने वाला खूबसूरत कुत्ता एक जर्मन डॉग ब्रीड है। इस कुत्ते का कद 31 सेंटीमीटर जबकि इसका वजन 68 किलोग्राम तक होता है। मुख्तलिफ मुल्कों में इस कुत्ते की उम्र 7 से 10 साल के दरमियान होती है। एक पेट डॉग की हैसियत से इस कुत्ते की रेपुटेशन काफी अच्छी है। यूं तो ये एक जॉइंट डॉग है जिसका अनट्रेन होना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन इस खास नस्ल में एक घरेलू माहौल के साथ जल्द एडजस्ट हो जाने की खासियत काफी ज्यादा है। ये शोर शराबा सुनकर वक्त बे वक्त नहीं भौंकता और न सिर्फ बच्चों और फैमिली मेंबर्स के साथ खासा फ्रेंडली रहता है बल्कि आसपास से गुजरते लोगों के लिए भी कुछ ज्यादा परेशान कुन साबित नहीं होता। इसे अपने साथ बाहर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि इसे आसपास के कुत्तों से भी कुछ खास मसला नहीं। इस कुत्ते की कीमत 3500 अमेरिकी डॉलर तक है, लेकिन इस कुत्ते की खुराक, वैक्सीनेशन और खिलौनों वगैरह का एक महीने का खर्चा 150 डॉलर तक। नंबर 5, आयरिश वुल्फ हाउंड। आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाला ये बहुत ही दिलकश कुत्ता भेड़ियों के शिकार के लिए और भेड़ियों के शिकार को रोकने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसका वजन 70 किलोग्राम तक जबकि कद 32 इंच तक होता है। ये 6 से 8 साल तक जिंदा रहता है। हंटिंग के दौरान ये कुत्ता जितना एग्रेसिव और तबाहकुन दिखाई देता है, घरों में ये इतना ही खामोश और पुरसुकून रहता है, लेकिन एक पालतू की हैसियत से ये हमेशा तवज्जो मांगता है वरना बिगड़ भी सकता है। तारीखी एतबार से शिकार के दौरान खड़े रहकर मालिक के इशारों का इंतजार करने की बजाय ये अपने दम पर ही सब कुछ करता है। अगरचे ये कुत्ता अजनबी लोगों का अच्छा दोस्त भी बन जाता है, लेकिन खतरे को देखते ही ये बाल बराबर भी नहीं हिचकिचाता और बड़ी ही दिलेरी से सब कुछ दांव पर लगाकर सिक्योरिटी का जबरदस्त किरदार निभाता है। एक अच्छी क्वालिटी के आयरिश वुल्फ हाउंड डॉग की कीमत 6000 अमरीकी डॉलर के आसपास भी हो सकती है। इस कुत्ते के फूड और वैक्सीनेशन पर माहाना 200 डॉलर तक खर्चा आ सकता है। नंबर 4, न्यूपोलिटन मास्टिफ। इटली की तारीखी नस्ल का ये कुत्ता एक गार्ड डॉग है जिसका वजन 70 किलोग्राम जबकि इसका कद 30 इंच तक होता है। कहते हैं कि 1914 में इस कुत्ते को एक डॉग शो में लाया गया। शो का जज फैबियोसेली इस कुत्ते को देखकर इतना हैरान हुआ कि वो अपने बेटे को लेकर पूरे इटली में इस नस्ल का कुत्ता ढूंढने लग गया और यूं इस कुत्ते को शोहरत मिली। ये एक बड़ा और इंतहाई ताकतवर कुत्ता है जिसकी औसत उम्र 7 साल तक होती है। इस कुत्ते को घर में रखने से पहले सोशलाइज करना जरूरी है क्योंकि किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो ये कुत्ता उसे जमीन पर गिराकर इसे अपने इंतहाई ताकतवर दांतों से दबोच सकता है। इस कुत्ते के दूसरे कुत्तों के साथ ताल्लुकात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहते और बच्चों की नजदीकी से पहले तो उस कुत्ते की ट्रेनिंग बेहद जरूरी। देखने में ढीला ढाला दिखाई देने के बावजूद इस कुत्ते की किसी चीज पर झपटने की रफ्तार बेहद ज्यादा होती है। इस कुत्ते की ज्यादा से ज्यादा कीमत 3500 अमेरिकी डॉलर है। नंबर 3, तिब्बतन मास्टिफ। ये एक इंतहाई घने बालों वाली पहाड़ी ब्रीड है और ब्राउन कलर का तिब्बतन मास्टिफ तो बिल्कुल शेर जैसा दिखाई देता है। इस कुत्ते का ज्यादा से ज्यादा वजन 90 किलोग्राम जबकि कद 33 इंच है। इस कुत्ते को रेवड़ गांव, घरों या महलात की निगरानी के लिए रखा जाता था। यहाँ तक कि खाना बदोशों के घरों की देखभाल भी ये कुत्ता ही करता था। अपनी वफादारी की बिना पर ये नोमाद डॉग यानी खाना बदोश कुत्ता कहलाता था। कहा जाता है कि बेहतर था कि इसे हिमालयन माउंटेन डॉग कहकर पुकारा जाता। इस कुत्ते को रात भर खुला छोड़ दिया जाता है और ये हर एक मूवमेंट और आते जाते लोगों पर भौंकता है, इसलिए ऐसे घर में जहाँ हर तरफ आसपास पड़ोसी हो इस कुत्ते को रखना ठीक नहीं। नए शौकीन लोग तो इस कुत्ते को रखने का रिस्क ना ही ले तो अच्छा है। ये कुत्ता फितरी एतबार से जानवरों की देखभाल और घर की कड़ी पहरेदारी के लिए है, इसी बिना पर इस कुत्ते के किसी भी अजनबी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप इस कुत्ते को पालना चाह रहे हैं तो याद रखें ये शुरू में आपको इससे काफी
काफी ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारना। इस कुत्ते की उम्र 10 से 16 साल तक होती है। एक अच्छी नस्ल के तिब्बतन मास्टिफ की कीमत 6,000 से 10,000 अमेरिकी डॉलर्स तक हो सकती है। नंबर 2, ग्रेट डेन। इस कुत्ते को जर्मन मास्टिफ या अपोलो ऑफ द डॉग्स भी कहते हैं। दुनिया का सबसे कदावर कुत्ता होने का रिकॉर्ड ग्रेट डेन नस्ल ही के कुत्ते के पास था। ये कुत्ता 44 इंच तक ऊंचा था, लेकिन साल 2014 में ज्यूस नामी ये कुत्ता 5 साल की उम्र में मर गया। इस वक्त की फ्रेडी नाम का ग्रेट डेन नस्ल का कुत्ता दुनिया में सबसे ज्यादा कद रखता है और ये कद 40 इंच है। लेकिन एक आम ग्रेट डेन का कद 31 इंच जबकि इसका वजन 82 किलो तक होता है। इस कुत्ते को जंगली सुअरों, रीछों और बारहसिंगों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, जबकि यूरोपीय शहजादे अपनी जाती रखवाली भी द ग्रेट डेन कुत्तों से ही करवाते रहे। इसके बड़े और रोबदाब वाले वजूद से तो लगता है कि शायद ये कुत्ता बेहद खूनखार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कुत्ते को सिर्फ प्यार और तवज्जो चाहिए। दूसरे कुत्तों और पेट्स के साथ इसका रवैया बड़ा शानदार होता है। बस नए लोगों और मेहमानों को घर दाखिल होने से पहले इत्तला देनी होगी, क्योंकि ग्रेट डेन अगर ट्रेंड नहीं है तो फिर इतना बड़ा कुत्ता कुछ भी कर सकता है। इस कुत्ते की एवरेज प्राइस 3,000 अमेरिकी डॉलर्स है, लेकिन एक अच्छी नस्ल का ग्रेट डेन 15,000 डॉलर्स तक भी पहुंच जाता। नंबर 1, इंग्लिश मास्टिफ। और अब पेश है हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद डॉग ब्रीड जिसका नाम है इंग्लिश मास्टिफ। इस कुत्ते का ज्यादा से ज्यादा वजन 113 किलोग्राम तक जबकि कद 30 इंच तक होता है। दुनिया का सबसे भारी भरकम कुत्ता होने का रिकॉर्ड भी एक इंग्लिश मास्टिफ के पास। ये जोरबा नाम का एक कुत्ता रह चुका है जिसका कद 37 इंच था जबकि इसका वजन 155 किलोग्राम से भी ज्यादा था, जबकि नाक से दुम तक की लंबाई 8 फुट 3 इंच थी, यानी एक गधे जितना कुत्ता। यूं कहिए कि जैसे शेर के सामने बिल्ली होती है, वैसे ही इंग्लिश मास्टिफ के सामने एक आम कुत्ता। सिर्फ 4 हफ्तों का इंग्लिश मास्टिफ भी बहुत भारी जिसामत का मालिक लगता है। इंग्लिश मास्टिफ तजुर्बेकार लोगों के घरों में तो बच्चों की छोटी मोटी छेड़छाड़ भी बर्दाश्त कर लेता है। इसे आम हालत में अपनी जगह पर बैठकर आराम करना ही पसंद होता है, लेकिन अगर कोई अनाड़ी मालिक हाथ की जरा सी भी जबरदस्ती दिखाए तो इस कुत्ते से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। ये शायद ही किसी चीज से डरता होगा। जरूरत पूरी ना होने पर या गैर मामूली गड़बड़ देखकर ये कुत्ता बहुत ज्यादा एग्रेसिव और तबाहकुन हो जाता है। इस कुत्ते की उम्र 7 साल तक होती है। इस कुत्ते के लिए 2 से 3 वक्त की रोजाना खुराक और एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। एक आला नस्ल का इंग्लिश मास्टिफ 6,000 अमेरिकी डॉलर्स तक का हो सकता है। जी तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पेट डॉग पसंद आया? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए तो कमेंट के जरिए हमें आगाह करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।